कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है जब बहुत सारे लोग लो इनकम ग्रुप वाले लोग एक साथ में आते हैं दे पूल देयर मनी फॉर वन पर्टिकुलर पर्पज सबका जो मोटिव होता है ना वो एक ही होता है या तो सब कंज्यूमर्स होंगे सब प्रोड्यूसर्स होंगे सब फार्मर्स होंगे सबको घर लेना होगा किसी को लोन चाहिए होगा सबका जो मोटिव होगा ना वो एक ही होगा ठीक है एक एक करके शुरू करते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से समझ में आ रहा है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होंगे वो होंगे कंज्यूमर्स ठीक है अब इमेजिन करो कि 20 लोग हैं वो साथ में आते हैं वो लोग अपना अपना पैसा डालते हैं ठीक है सब है लो इनकम ग्रुप वाले लोग उनकी प्रॉब्लम क्या होगी क्यों आए होंगे ये सब लोग साथ में शायद इनको गुड्स महंगे मिल रहे होंगे ज्यादा प्राइस पर मिल रहे होंगे तो ये लोग क्या करेंगे ये लोग अपना पैसा साथ में लाएंगे तो क्या होगा बड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा ठीक है अब ये लोग क्या करेंगे पता है ये लोग रिटेलर या फिर होलसेलर से गुड नहीं परचेस करेंगे ये डायरेक्ट जाएंगे कंपनी में क्योंकि अब इनको बल्क ऑर्डर देना है पहले एक घर का सामान आ रहा था अब बीस घर का सामान एक साथ में आने वाला है तो ये लोग क्या करेंगे मिडल मैन को एलिमिनेट कर देंगे और डायरेक्ट कंपनी से ये लोग सामान खरीदेंगे इससे होगा क्या सबसे पहली चीज कम प्राइस पे गुड्स मिलेंगे दूसरी चीज क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे देखो जितनी बार मिडल मैन बीच में आते हैं ना उतनी बार चीटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कोई वेट में ऊपर नीचे कर दे क्वालिटी में कुछ मिक्स कर दे ठीक है तो दूसरी अच्छी चीज़ क्या होगी कि इन लोग को क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे एंड थर्ड थिंग वुड बी कि इन लोग को रेगुलर सप्लाई मिलेगा गुड्स एंड सर्विसेज का क्योंकि कंपनी तो रेगुलरली प्रोड्यूस करती है अरे जरूरी थोड़ी है कि होलसेलर और रिटेलर के पास में सारी चीज़ मिले आपको जरूरी नहीं है ना हो सकता है कि कोई और खरीद के ले गया रिटेलर ने आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर दी ठीक है कुछ भी हो सकता है तो जब बहुत सारे लोग एक साथ में डायरेक्ट कंपनी से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं ना तो तीन एडवांटेजेस होते हैं सबसे पहला सस्ते में गुड्स एंड सर्विसेज यानी रीजनेबल प्राइजेस पे आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे सेकंड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे एंड थर्ड रेगुलर सप्लाई मिलेगा आपको गुड्स एंड सर्विसेज का ठीक है सेकेंड होता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी अब नाम से समझ में आ रहा है कौन होते हैं ये लोग कहां से आते हैं दे आर प्रोड्यूसर्स ठीक है प्रोड्यूसर्स का काम क्या होता है इनका काम होता है गुड्स एंड सर्विस बनाना ठीक है प्रोड्यूस करना तो जब बहुत सारे प्रोड्यूसर्स एक साथ में आते हैं ठीक है और ये लोग प्रोडक्शन करते हैं तो इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी अब आप बोलोगे सर प्रोड्यूसर्स तो ऑलरेडी बहुत पैसे वाले होते हैं इन लोग को क्या जरूरत आ गई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की नहीं आप लोग बात करो रिलायंस अडानी टाटा इन सब की नहीं वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल प्रोड्यूसर्स जिनके पास में बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है तो ये लोग क्या करते हैं पता है? ये लोग पंद्रह बीस लोग साथ में आ जाएंगे अब ये लोग क्या करेंगे रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे अब ये लोग भी मिडल को एलिमिनेट करेंगे सीधी बात है ना ये लोग भी क्या करेंगे मिडल को एलिमिनेट करेंगे रॉ मटेरियल्स डायरेक्ट खरीदेंगे तो क्या हो गया सस्ते में मिल गए ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है सस्ते में मिल गए अच्छा जो प्रोड्यूसर्स होंगे ना अब वो डायरेक्ट गुज एंड सर्विसेज मार्केट में कंज्यूमर्स को बेच के आएंगे अच्छा खरीदेंगे भी डायरेक्ट बेचेंगे भी डायरेक्ट तो हुआ क्या कॉस्ट प्राइस हो गई कम सेल प्राइस में मार्जिन हो गया ज्यादा समझ में आया प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है दे पूल देयर मनी बाय द रॉ मटेरियल्स और मशीनरी एट अ वेरी लो कॉस्ट बाय एलिमिनेटिंग द मिडल एंड दे सेल देयर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर हेंस इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट मार्जिन ठीक है ये होते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी थर्ड होते हैं हमारे कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी इसके बगल में ये इसके लिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे भी प्रोड्यूसर्स होते हैं ये भी प्रोड्यूसर्स ही फॉर्म करते हैं हमेशा अब मार्केटिंग का मतलब आप ये मत समझना कि ये जनरली मार्केट के ट्रेडर्स की होती है या फिर एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए बनाई जाती है नहीं देखो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना हर किसी को कोई ना कोई चीज़ का प्रॉब्लम होता है किसी को वेयर हाउसिंग का प्रॉब्लम है किसी को ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है किसी को कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है किसी को एडवर्टीजमेंट का प्रॉब्लम है एवरीबडी एवरी प्रोड्यूसर फेसेज अ शॉर्टेज ऑफ सर्टेन आइटम हम बात कर रहे हैं छोटे प्रोड्यूसर्स की वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रतन टाटा और मुकेश अंबानी और अजीम प्रेम जी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल प्रोड्यूसर्स जिनके पास में कैपिटल कम होता है तो ऐसे लोगों के पास में कोई ना कोई चीज की शॉर्टेज हमेशा रहती है हो सकता है कि इन लोग के पास में गोडाउन नहीं हो वेयर हाउस नहीं हो हो सकता है कि इन लोगों के पास में प्रॉपर एडवर्टीजमेंट नहीं हो हो सकता है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं हो हो सकता है कम्युनिकेशन की फैसिलिटी नहीं हो तो जब सारे प्रोड्यूसर साथ में आते हैं और वो एक दूसरे की सर्विसेज शेयर करते हैं ना तो इसको बोलते हैं कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी ये लोग क्या करते हैं सब लोग पैसा साथ में डालेंगे शायद हो सकता है एक वेयर हाउस रेंट पर ले लें क्योंकि अब पैसा हो गया ना ज्यादा पैसा हो गया है, तो वेयर हाउस रेंट पर लेंगे फिर वो वेयर हाउस को शेयर कर लेंगे हो सकता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी शेयर कर लें ठीक है ये बोलेंगे हाँ भाई आपका गुड्स कहां जा रहा है आपके गुड्स भी उज्जैन जा रहे हैं मेरे गुड्स भी उज्जैन जा रहे हैं चलो एक काम करते हैं एक ट्रक रेंट पे ले, ले लेते हैं और भेज देते हैं सिंपल है समझ में आया कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का, का काम क्या होता है नेक्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी नाम से समझ में आ रहा है क्रेडिट मतलब उधार लोन ठीक है अब जब बहुत सारे लो इनकम ग्रुप वाले लोग आते हैं वो क्या करते हैं अपना अपना मनी सेव करते हैं भाई आपने दस हजार रुपए दिए आपने पंद्रह हजार दिया आपने पाँच हजार दिए ऐसे करके क्या होता है पैसा इकट्ठा हो जाता है अब जितने भी लोग हैं ना इस सोसाइटी में उनमें से कभी भी किसी को लोन की जरूरत होती है बीट की लच से बेटी की शादी करनी है किसी को पढ़ाने के लिए बाहर भेजना है कोई भी एक्सवाई सी रीजन हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसिस है बट पैसों की जरूरत है तो वो बंदा ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले सकता है ठीक है अब इसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती है पहली चीज ये होती है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना वो बहुत कम होता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही हो गया ना लोन लेते हुए दूसरा चीज क्या होता है कोई मनी लेंडर से अगर आप बाहर लोन लेते ना तो वो आपके सर पे खड़ा हो जाता है ब्याज दे ब्याज दे गिव मी द इंटरेस्ट गिव मी द इंटरेस्ट यहाँ पे ऐसा नहीं है थोड़ा सा यू गाइज आर पार्ट ऑफ वन सोसाइटी तो थोड़ा सा लीनियंस मिल जाता है और एक और जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मनी लेंडर्स जो होते हैं ना वो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं आपकी जमीनें गिरवी रख लेंगे फिर आपसे बिना पूछे वो जमीनें बेच देंगे दे विल चार्ज यू हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सब चीजें यहां पे नहीं होती है ठीक है तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का काम क्या होता है सबसे पहला चीज तो वो लोगों में एक सेविंग की हैबिट कल्टिवेट कर देता है कि आप सेव करो थोड़ा पैसा सेव करके आप ऑर्गेनाइजेशन में डालो ऐसे सब लोग डालेंगे तो जब भी आपको बड़े पैसों की जरूरत होगी तो यू कैन टेक अ लोन फ्रॉम द सोसाइटी दूसरी चीज़ क्या होती है आपको मनी लेंडर्स के एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है थर्ड चीज़ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको कभी भी लोन रेडीली अवेलेबल मिलता है एंड फोर्थ थिंग जो भी पैसा ये लोग कमाते हैं ना वो सोसाइटी के लोगों में बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू योर सेविंग्स अगर आपने एक लाख रुपए सेव किए और मैंने दस हजार रुपये सेव किए हैं तो प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू आयुष मल ओके okay? अब आप पूछोगे सर प्रॉफिट कैसे कमाएंगे इंटरेस्ट तो आएगा ना जिसने भी लोन लिया है वो इंटरेस्ट भी देगा तो दैट्स अ प्रॉफिट सिंपल नेक्स्ट होता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अब हाउसिंग सोसाइटी का मतलब क्या हुआ नाम से समझ में आ रहा है ऐसे लोग जिनके पास में घर नहीं है ऐसे लोग जिनको घर बनाना है लोगों का सपना होता है घर बनाना ठीक है तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मतलब क्या हो गया ऐसे लोग जो लैंडलेस है उनके पास में घर नहीं है तो ऐसे लोग क्या करेंगे थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे ठीक है सबके पास में देखो थोड़ा पैसा होगा अगर वो घर लेने का सोच रहे हैं तो ठीक है अब ऐसे लोग क्या करेंगे मैंने दस लाख रुपए डाले कोई आदमी बीस लाख रुपए डालेगा कोई पचास लाख डालेगा ऐसे कर करके उन लोग ने पैसा इकट्ठा किया अब वो लोग क्या करेंगे ये पैसे से लैंड खरीद लेंगे लैंड खरीद के क्या करेंगे जो बचा हुआ पैसा उससे कंस्ट्रक्शन करा देंगे है ना और उसमें जितने भी फ्लैट्स वगैरह बनते हैं वो एक दूसरे में बांट लेंगे अकॉर्डिंग टू द कैपिटल ऑब्वियसली तो ये होता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ऐसे लोग जिनके पास में अपना घर बनाने का पैसा नहीं होता है ऐसे लोग साथ में आते हैं पैसा पूल करते हैं लैंड खरीदते हैं उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करा देते हैं सिंपल एंड लास्ट होता है फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से समझ में आ रहा है सारे के सारे फार्मर्स हैं और फार्मर्स तो ऑलरेडी लो इनकम ग्रुप वाले होते हैं बहुत कम होते हैं मार्जिनली रिच फार्मर्स ये होते हैं हमारे पुअर फार्मर्स तो जब गरीब फार्मर्स साथ में आते हैं क्यों आएंगे फार्मर्स साथ में आई थिंक सबको पता है इनको चाहिए इनपुट्स भी इनको चाहिए इनको एच वाई वी सीज चाहिए फर्टिलाइजर चाहिए पेस्टिसाइड चाहिए तो पैसा इकट्ठा करके क्या करेंगे डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से खरीद लेंगे एक जगह पे ये लोग कंज्यूमर बन गए दे आर कंज्यूमिंग द एच वाई वी सीड द पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा अब जब इन लोग के गुड्स बन जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं ये लोग बल्क में गुड्स को सेल करने के लिए जाते हैं कोई प्रॉपर रेगुलेटेड मार्केट में एंड दे एन्श्योर कि इनको अपने गुड्स का अच्छा रेट मिले देखो सिंपल सी बात है ना एक फार्मर जाएगा उसके पास में लगता से कि हंड्रेड किलोज है आउटपुट का तो उसको फिर क्या करेंगे पता जो ट्रेडर्स होंगे ना वो उसको एक्सप्लोइ करेंगे भाई देखो देना है तो दे इतने में नहीं तो तू जा यहाँ से वापस अपने गाँव जा ठीक है अब वहीं पर इमेजिन करो कि देर आर ट्वेंटी फार्मर्स और 20 फार्मर्स का हर बंदे का हर फार्मर का 100 किलो है यानी 2000 थाउजेंड किलो उसका आउटपुट जब वो लोग मार्केट में लेके जाएंगे तो एवरी ट्रेडर विल एंटरटेन देम ठीक है वो ट्रेडर बोलेगा हाँ सर आप बताओ कितना रेट पे आपको बेचना है क्या करना है पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाता है ना एक फार्मर को एक्सप्लॉइट करना बिकम्स वेरी इजी ग्रुप ऑफ फार्मर्स को एक्सप्लॉइट आप नहीं कर सकते हो बिकॉज आपको पता है सारे के सारे अगर नाराज हो गए तो आपसे आपको गुड्स देगा कौन फिर तो ये लोग क्या इंश्योर करते हैं इनको जो इनपुट चाहिए सीड्स फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स इरिगेशन फैसिलिटीज वो सब इनको बहुत कम रेट में मिले और जो ये लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं जो ये लोग कल्टिवेट कर रहे हैं उनका इनको अच्छा सा कीमत मिल जाए समझना अगर आप बेस देखोगे ना इन ऑल सिक्स टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का तो इनका बेस सेम होता है सब एक टाइप के लोग साथ में आते हैं या तो सारे कंज्यूमर्स सारे प्रोड्यूसर्स सारे प्रोड्यूसर्स जो सर्विसेज ढूंढ रहे हैं वो फिर हो गए सारे हमारे क्रेडिट वाले जिनको लोन चाहिए हाउसिंग वाले सारे के सारे फार्मर्स जब एक ही टाइप के लोग साथ में आते हैं पैसा पूल करते हैं मिडल को एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले मिडल को एलिमिनेट कर देते हैं और ये लोग क्या इंश्योर करते हैं सस्ते में गुड्स एंड सर्विसेज इनको मिल जाए सस्ते में लोन मिल जाए सस्ते में घर बन जाए ठीक है अच्छा रेट इनको मिल जाए अपने आउटपुट का तो बेस अगर आप देखोगे तो सेम है ये हमने सिक्स टाइप्स देखे नहीं समझ में आया तो वापस देख लो जिनको समझ में आया उनको लेके चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर